Hey guys, this is me Sukanya. Welcoming you to my channel Sukanya's Recipe. आज हम समर स्पेशल काकड़ी का पराठा बनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा यमी और डिलीशियस लगता है ये खाने में। ज़रूर ये रेसिपी आप पूरा देखिए और गिव इट अ ट्राई। चलिए अब बढ़ते रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा काकड़ी काट के लिया है, फाइनली चॉप करके मैं मिक्सर के बर्तन में डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे फाइनली चॉप करके डालना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च चॉप करके डाला है, उसी के साथ थोड़ा जिंजर और गार्लिक, अदरक लहसुन आपके टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया लिया है और बस इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरीके का। अब दो कटोरी आटा लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन थोड़ा डाला है मैंने, उसी के साथ हाफ टेबल स्पून ये चाट मसाला है, ऑप्शनल है, और स्वाद के अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करके ले लेंगे अच्छे से। और इसमें अब हम पेस्ट जो हमने काकड़ी का तैयार किया है वो ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अब यहाँ मैंने एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लिया है। अब इसका एक हम छोटा पेड़ा तैयार करेंगे, छोटा बॉल ले लेंगे इस तरीके का। अब रोटी को मैंने बेलना चालू किया है यहाँ पर। अब बीच में मैं थोड़ा सा यहाँ पर घी या तेल, आप कुछ भी ले सकते हो, इसे स्प्रेड कर ले और इस तरीके से स्क्वायर शेप का पराठा बनाने के लिए चारों साइड से ऐसे फोल्ड कर ले रोटी को, ऐसे प्रेस करके। अब इसे आप वापस बेलना चालू करें। बस हमें जो साइड्स है बस हमें ऊपर से नीचे बेलना है, हमें उसे राउंड नहीं करना है। ये देखिए, तो उसका शेप जो है इंटैक्ट रहेगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्क्वायर शेप आ जाता है रोटी को और पराठा बहुत अच्छा दिखता है। अलग अलग शेप्स के अगर आप बच्चों को खिलाएं तो वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके खाते हैं। ये देखिए, अब रोटी को तवे पर डाल दिया है मैंने। इसे हम नीचे की साइड से थोड़ा पकने देंगे और जैसे थोड़ा पक जाए उसके बाद इसे हम फ्लिप करेंगे। ये देखिए, अब इसे हम फ्लिप करते हैं। अब इसी तरीके से हम नीचे के साइड से भी इसे पकने देंगे। अब ये पक चुका है, इसे फ्लिप करते हैं। अब इसमें घी या तेल अप्लाई करेंगे, दोनों भी साइड से आप घी या तेल लगा दें। ये देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी लगता है ये खाने में। ये देखिए, अच्छी तरीके से ये पक चुका है। वाओ, कितना अमेजिंग दिख रहा है ये। समर के लिए ये बढ़िया पराठा ज़रूर आप ट्राई करें। डिलीशियस यमी काकड़ी का पराठा बनके यहाँ पर तैयार है। बहुत ज़्यादा यमी लगता है ये खाने में और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। ज़रूर ये रेसिपी आप ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।